दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को इसकी कमज़ोरी समझ लिया। अगर कोई पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को संजीदगी से नहीं लेता तो पाकिस्तान इसे सबक भी सिखाने की सलाहियत रखता है। भारत के टीवी चैनल्स को तो इनके मुल्क में कोई लगाम ना दे सका, पाक फजाइया ने अलबत्त ये काम कर डाला। दो तैयारों की तबाही और एक पायलट की गिरफ्तारी के बाद से अब तक भारतीय मीडिया की मदद से जंगी जनून को परवान चढ़ाने वालों के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, और वक़्त गुजरने के साथ साथ इन मसाइल की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। भारत में बहुत से तजिया निगार इलाकाई सतह पर बर्तरी के हवाले से अपनी हकूमत के दावों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कई वेबसाइट्स हैं जो भारत को इलाकाई सुपर पावर में तब्दील करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी और रहाई के बाद तो भारत की दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान तो लग ही चुका था, इससे पहले भी भारतीय सलाहियत पर शकुकुशबहात का इजहार किया जा रहा था। भारत की मशहूर वेबसाइट inprint.com पर शाया होने वाले एक मजमून में भारत के मारूफ तजिया निगार दरवेजे शंकर का कहना है कि बहुत लोगों की जबान पर यह बात आ रही है कि इलाकाई सुपर पावर की हैसियत से भारत की मौत वाकई हो चुकी है। मजमून निगार ने मुख्तलिफ नुकात के जरिए साबित करने की कोशिश की कि चंद एक मुश्किलात के बावजूद भारत इलाकाई सतह पर खेले जाने वाले बड़े खेल में अब भी मौजूद है। खैर, ये दावा महज दावे ही की मंजिल है। कल तक तो ये बात कही जा सकती थी कि भारत इलाकाई सतह पर बहुत कुछ करने की पोजीशन में है, और वो अपनी पॉलिसियों के जरिए ये साबित भी कर रहा था कि उसे आगे जाना है और कुछ पाना है। अब इसे हालात का नतीजा समझिए या भारत की बदनसीबी कि चीन ने 3 अशरों की मेहनत के नतीजे में दर्जा बदर्जा परवान चढ़ने के बाद अचानक उबर कर भारत का सुंदर सपना तोड़ कर रख दिया है। चीन का अचानक गैर मामूली हद तक मुतहरक होना भारत के लिए अच्छी खासी उलझने पैदा कर रहा है। भारत खुद को बड़ी मार्केट भी बनाना चाहता है, लेकिन सनती पैदावार के हवाले से इसकी कारकर्दगी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही। चीन ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी मार्केट की मजबूत ज़रूरत से मुताबकत रखने वाली पैदावार फराहम कर सकता है, जैसी कीमत वैसा माल के असूल की बुनियाद पर चीन दुनिया भर की मईशतों के लिए माल तैयार करता है, और इस हवाले से इसकी कारकर्दगी इंतहाई मुतासर कुन रही है। भारत ने मुआशी बुनियाद पर इलाकाई सुपर पावर बनने की ठानी और अमेरिका और यूरोप का सहारा लिया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को इस खित्ते में सिर्फ भारत पर भरोसा ही रास आता रहा है। यह कोई ऐसी बात नहीं जो समझी ना जा सके। सीधी सी बात है कि भारतीय क़यादत जनूबी एशिया में अमेरिका और यूरोप के मफादात को तहफ़ फराहम करने के हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए हर वक्त तैयार और अलर्ट रहती है। अद यह है कि भारत ने इस मामले में अपने देरीना दोस्त और बुरे वक्तों के साथी रूस से हाथ छुड़ाने में भी झिझक महसूस नहीं की और ना शर्मिंदगी। एक तरफ चीन बढ़ता आ रहा है और दूसरी तरफ रूस है, जो भारत पर मजीद भरोसा करने के मूड में नहीं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि अकेले पड़ जाने का एहसास भारतीय क़यादत को कैसे बुरी तरह अंदर ही अंदर नोच और डस रहा होगा। यही वजह है कि चीन को तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखकर भारत में दानश्वरों को ये महसूस हो रहा है कि इलाकाई सुपर पावर बनने का ख्वाब शायद अब कभी शर्मिंदा ताबीर हो सके। 26 फरवरी से 1 मार्च तक जो कुछ हुआ वो पूरे खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी बरादरी पर भी बहुत कुछ वाजे कर देने के लिए काफ़ी है। एक तरफ तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो कोई भूटान या नेपाल नहीं कि जब कोई चाहे पंजा मार कर मुंह में डाल ले। दूसरी तरफ भारतीय फौज, जिसका मोराल खतरनाक हद तक गिर चुका है, महज एक झड़प ने नाम नहाद अकाब को कव्वे की सतह पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है कि इसने ना सिर्फ भारत के ख्वाबों को चकनाचूर किया बल्कि भारत के तमाम हाशिया बरदारों की आंखें खोल कर रख दी हैं। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान बेशतर मामलात में भारत पर मुनहसर थे,
बांग्लादेशी क़ियादत की उलझन काबिले दीद है। शेख हसीना और उनके रुफका ने मुल्क को भारत के चरणों में बैठा रखा है। अब नेपाल, भूटान और बांग्लादेशी क़ियादत भी अपनी पॉलिसियों के हवाले से कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। वह समझ चुके हैं कि भारत इतना मजबूत मुल्क नहीं जितना हम समझ रहे थे। भारतीय क़ियादत चाहती है कि चीन की बढ़ती ताकत के हम पल्ला बना जाए, मगर मसला ये है कि बड़ा बनने के लिए जिस नौयत का बड़ापन दरकार होता है उसे परवान चढ़ाने के लिए नई दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स तैयार नहीं। बांग्लादेश भारत के दबाव में है। नेपाल खुश्की से घिरा हुआ होने के बायस भारत पर इन्हसार करता है। भूटान के साथ भी कुछ ऐसा मामला है। मालदीव के मामलात में भारत का अमल दखल किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका एक अशरे से वाज़े तौर पर भारत के खिलाफ जा रहे हैं। कमोबेश एक अशरे से कैफियत ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मकबूजा वादी में जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूजा वादी के लोग खुद अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इनकी सियासी हमायत की है, जबकि भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता रहता है। भारत चाहता है कि आलमी बरादरी इल्ज़ामात ही को सबूत के तौर पर तस्लीम कर ले। अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। भारतीय क़ियादत ये समझ रही थी कि बालाकोट पर फजाई हमले के जवाब में पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। भारत ये सोच भी ना सकता था कि पाकिस्तान इस कदर मुँह तोड़ जवाब देगा कि सारा भरम ही खाक में मिलकर रह जाएगा। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल ने तय कर रखा है कि किसी भी वाक़े से सबक नहीं सीखना और ना इसलाह करनी है। हज ये है कि विंग कमांडर अभिनंदन अभी पाकिस्तान की हिरासत में ही था कि नई दिल्ली में साइंसदानों के लिए अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतहाई डठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि यह तो पायलट प्रोजेक्ट था। बालाकोट में नाकाम फजाई हमला या फिर पाकिस्तान के हाथों दो भारतीय तैयारों की तबाही और अभिनंदन की गिरफ्तारी, अगर मोदी ने बालाकोट पर नाकाम फजाई हमले को पायलट प्रोजेक्ट करार दिया है तो क्या हकीकी कार्रवाई में सहराए थर की रेत उड़ाएंगे? तीन दिन कबल भारत की तीनों मसल्ला अफवाज के सरबराहों ने मुजाकरात बराए अमन की पाकिस्तानी पेशकश का खैर मकदम करते हुए इस अजम का आदा किया कि गैर जरूरी जंग से इतना बरता जाएगा। ये बयानियां मोदी और अजीत डोवल के लिए एक बड़ा झटका है। जो लोग हर हाल में जंग चाहते हैं वो भला क्यों ये चाहेंगे कि मसल्ला अफवाज के सरबरा अमन की बात करें? जामनगर में इजतमा से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने भारतीय फजाइया की नाकामी को पुराने MiG-21 तैयारों के खाते में डालकर पूरी फजाइया की पेशावराना महारत पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की। मोदी और इनकी कंपनी जंग का राग अलाप रही है, मगर भारतीय मसल्ला अफवाज इस बयानिया से मुकम्मल इतफाक राय के लिए तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि फौज जंग के लिए तैयार है या नहीं, बल्कि ये है कि गैर जरूरी जंग क्यों लड़ी जाए, और वो भी महज इसलिए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी की इंतहाबी फतह यकीनी बनानी है। यही वजह है कि भारतीय फजाइया ने बालाकोट में रात की तारीकी में की जाने वाली कार्रवाई का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की और कैंपों की तबाही से मुतल्लक दावों से खुद को दूर रखा। इससे साबित होता है कि मसल्ला अफवाज जंगी जुनून के मामले में मोदी एंड कंपनी के साथ चलने को तैयार नहीं। दोस्तों, अब आपको इमरान खान के नोबल प्राइज़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक मशहूर जरीदे का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस साल के नोबल प्राइज़ के लिए चुन लिया गया है। जरीदे का कहना है कि ये फैसला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इस फैसले के बाद किया गया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग यकीनी सूरत हाल अख्तियार कर गई थी, लेकिन इमरान खान ने इसे ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और भारतीय पायलट को रहा कर दिया। दुनिया के दूसरे ममालक के लीडर्स जिन्होंने अमन के लिए अच्छे इकदाम किए हैं उनका भी नाम चुना गया है, लेकिन ये फैसला अब नोबल कमेटी करेगी कि ये नोबल प्राइज़ किसके सर पर सजेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।